Hello friends, good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 16th October, so let's get started. And before starting, I would like to tell you, आज से हमारे न्यूज एनालिसिस में दो चेंजेस होंगे. वन इज कि आपको जो भी एडिटोरियल्स होंगे, जो भी अभी तक मैं आपको नोट्स देता था, वो आज से आपको फ्लो चार्ट के साथ भी दिए जाएंगे, क्योंकि दैट विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू. सेकेंड इज, हम जो भी न्यूज पेपर में आपसे डिस्कस करेंगे, चाहे वो एडिटोरियल्स हो, क्योंकि इन बिटवीन द लाइन्स से भी क्वेश्चन आते हैं, एट द सेम टाइम जो अदर न्यूज भी होंगी, ठीक है, उस पर बेस आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे इसी में. और एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू पोस्ट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, ये दो चेंजेस होंगे. एंड बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव टू मोर चेंजेस. वन इज दैट आई विल बी अवेलेबल ऑन स्क्रीन, ताकि हमारा जो डिस्कशन होगा वो ज्यादा इंटरेक्टिव लगे फेस टू फेस. And second thing would be, maybe we will start the newspaper live. Okay, so आप live देख सकेंगे उसे, तो वो ज़्यादा better होगा. It will give you a feeling of sort of कि आप offline class में पढ़ रहे हो, ठीक है. तो आज से आपको flow chart के notes भी मिलेंगे और MCQ उसी में post होंगे. Do attempt them. ठीक, topic मैं explain करूँगा आपको, उसी पे based questions होंगे. आज इधर उधर की न्यूज कम है न्यूज़पेपर में, लेकिन तीन अच्छे आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ग्लोबल फूड डे भी है, तो काफी सारा फूड सफिशिएंसी को लेकर आया है, ठीक है. एक और आर्टिकल अच्छा है एग्रीकल्चर की यील्ड को, क्योंकि हम लोग हमेशा ये एम्फेसाइज करते हैं कि यूएसए और चाइना के कंपेरिजन में हमारे यहाँ पर हेक्टेयर यील्ड बहुत कम है, तो हमारा पूरा फोकस रहता है कि हमें यील्ड बढ़ानी है. उसके लिए हम लोग बात करते रहते हैं कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी के सीड्स ग्रो करने चाहिए हमें, एंड ऑल दोस थिंग. बट यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल है दैट यील्ड कैन नॉट बी द सोल इंडिकेटर ऑफ एग्रीकल्चर, हम इसको एग्जामिन करेंगे. एंड थर्ड इज आई विल डिस्कस द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये देखने में आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा से रहा है कि जिस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्योंकि इंडिया भी आजाद हुआ, ठीक है, इसी के साथ चाइना भी आजाद हुआ, एंड साथ में काफी सारी अफ्रीकन और आसियान कंट्रीज भी आजाद हुई. कुछ अमीर बन गए, कुछ गरीब रह गए, कुछ बहुत ही ज्यादा पुअर रह गए. इन सब के बीच में एक कॉमन चीज दिखेगी, वो है रोल ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस, उनकी डेमोक्रेसी, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी पॉलिटिक्स, राइट. तो उसी के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स में अवार्ड मिला है, और उसी को हम लोग डिटेल में एग्जामिन करेंगे. तो चलिए आगे चलते हैं, ये सब एडवर्टाइज है फालतू की. ओके, महाराष्ट्र एंड झारखंड में नवंबर में पोल होंगे, अभी हरियाणा में हुए थे, जम्मू कश्मीर में हुए थे. ओके, ये वही पार्टी है जो बात करती है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो एटलीस्ट जो इलेक्शन एक मंथ के डिफरेंस से आ रहे हैं, आप उनको तो मर्ज कर ही सकते थे. बट आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस, आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा डिसीजन लिया था कि हम एक मंथ के डिफरेंस से कराएंगे. दिस इज शियर वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ पब्लिक. ओके, एनीवे हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन प्रिपेयर कर चुके हैं, मैंने मेंस में सेशन भी किया था और उस पर क्वेश्चन आया अभी इस बार मेंस में. हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एडिटोरियल्स पर, क्योंकि बीच में ज्यादा कुछ है नहीं. यहाँ पे एमएलसी वगैरह है, तो ये आप अपनी लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल पे हम लोग ज्यादातर पढ़ते नहीं है. बाकी मैं उसके नोट्स डाल दूंगा, या फिर जब मैं आपके साथ लक्ष्मीकांत डिस्कस करूंगा रिविजन में, तब मैं करा दूंगा, ठीक है. बट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में तो आप लोग काफी पढ़ते हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्वालिफिकेशन पे याद नहीं रहते हैं. बट यू नेवर नो, कभी सरप्राइज क्वेश्चन आपको आ जाए. ऑलराइट, सो वर्ल्ड फूड डे, इसको लेकर ये आर्टिकल है दैट फूड सफिशिएंट इंडिया, हमने फूड सफिशिएंसी अचीव कर ली, ठीक है, थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारे पास आज फूड का स्टॉक की कमी नहीं है. लेकिन उसके बाद भी हमारा देश में हंगर क्यों है, ठीक है, हंगर बहुत ज्यादा है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो हम 96 रैंक पे जाके गिरे. ओके, सो यहाँ पे बात आ जाती है दो चीजों की. फर्स्ट इज, क्या वो फूड एक्सेसिबल है लोगों को. ओके, और एक्सेसिबिलिटी डिपेंड करती है कि हमारे यहाँ का स्टोरेज कितना अच्छा है. जस्ट अ सेकेंड, हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटीज कैसी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि एक्सेसिबल होगा या नहीं. अब अगर एक्सेसिबल है तो फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है अफोर्डेबिलिटी का. अब उसके लिए गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स चलाती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीडीएस एंड अदर थिंग्स. बट ये दोनों चीजें भी अगर हम टिक कर दें कि चलिए ये दो चीज इंडिया ने अचीव कर ली, फिर थर्ड इशू आता है मेल न्यूट्रिशन का. और वो मेल न्यूट्रिशन क्यों है, क्योंकि हमारा जो फूड है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिट गया है. ओके, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, अगर ये दो चीजें हम ठीक से कर भी जाएं, उसके बाद भी इशू आता है कि हमारा न्यूट्रिशन नहीं है हमारे फूड में, और इसी वजह से सारे इश्यूज निकल कर आते हैं मैल न्यूट्रिशन के, या हिडन हंगर जिसे हम कहते हैं. तो इसी को लेकर यहां पे ये आर्टिकल लिखा गया है, हम लोग इस पे चलते हैं पहले.
ये आप सेल्फ रीड करेंगे, मैं आपको लेके चलूंगा सीधे फ्लो चार्ट पे। एक एक पॉइंट को एग्जामिन करेंगे, इन डिटेल एग्जामिन करेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेंथी फील हो आपको, लेकिन ये आपके इस टॉपिक को फूड सफिशिएंसी, हंगर एंड ऑल दोस थिंग, इसको पूरी तरीके से कवर कर देगा। ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट। ये सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में मेंशन है, बट हम फोकस करेंगे इन सभी पॉइंट्स को एग्जामिन करने पर। ओके, सो फूड सफिशिएंसी बट स्टिल हंगर, तो यहाँ पे कुछ की इश्यूज इन्होंने हाईलाइट करें, उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और इसमें करंट चैलेंजेस क्या है फिर, और इसके बाद इनके सॉल्यूशंस क्या प्रपोज किए इन्होंने, और क्यों हम इंडियंस इतनी ज्यादा अनहेल्दी डाइट्स लेते हैं, डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं या हाई शुगर एंड सॉल्ट रिच फूड्स कंज्यूम करते हैं। तो इन पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं की इश्यूज को। सो फर्स्ट पॉइंट इज फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस। अब हम एक्सेस कर पाएंगे इस फूड को या नहीं, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकम। क्या आपकी पब्लिक की उतनी इनकम है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा 2019 से कहीं ना कहीं रूरल इनकम पूरी तरीके से स्टैग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड इज देयर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड। बट दिस थिंग इज की अवेलेबिलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गेहूं चावल मिल गया तो क्या उस लेवल का फूड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या प्रोटीन रिच डाइट मिल रही है बच्चों को, अदरवाइज फूड मिलकर भी आप हेल्दी नहीं फील करोगे, राइट। और ये तीसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है वो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं। अदरवाइज क्या होता है कि एक टाइम पे जब बम्पर क्रॉप आएगी तो प्राइसेस पूरी तरीके से गिर जाएंगे, ठीक है, स्टोरेज करने की जगह नहीं होगी तो फिर अनाज मंडियों में पानी बारिश में भीगता रहता है, ठीक है, वो सब आपने बातें की हुई है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये दो पे डिपेंड करता है कि हमारा फूड हमारी पब्लिक को एक्सेसिबल होगा या नहीं। ओके, दीज आर दी थ्री फैक्टर्स। सेकेंड इज कि आपने एक्सेसिबल करा दिया, बट उसके बाद अगर उस फूड की कॉस्ट ज्यादा हाई है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दीज हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच डाइट, ओके, या नॉन वेज, अगर वो ज्यादा हाई है या तो अफोर्डेबल नहीं होगा, राइट। सो इसमें एक की इशू निकल के आएगा अफोर्डेबिलिटी का, स्पेशली ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड, वो अफोर्डेबल नहीं होता है मेजॉरिटी पॉपुलेशन को। इवन कई बार फ्रूट्स के रेट इतने हाई चले जाते हैं कि इवन मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये हाई होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर एग्रीकल्चर। आज भी हमारा जो एग्रीकल्चर वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड या ट्रेडिशनल मैनर में ही प्रैक्टिस हो रहा है, ओके। इसके अलावा इनइक्वालिटी विद इन द एक्सेस, कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो दिस इज द इशू ऑफ अफोर्डेबिलिटी। सेकंड, थर्ड इशू इज विद रिस्पेक्ट टू मेल न्यूट्रिशन। अब इस मेल न्यूट्रिशन की कई रीजन हैं, अफोर्डेबिलिटी इज वन, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी सेकंड, बट थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि हमारी जो डाइटरी प्रैक्टिस है वही बहुत पुअर है। वी हैव वेरी पुअर डाइटरी प्रैक्टिस। 63% ऑफ अ पॉपुलेशन कंज्यूम ओनली राइस, इतना ज्यादा हमारी डाइट में उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है, उतना ज्यादा हम लोग एम्फेसाइज नहीं करते कि हमारी डाइट जो है वो उतनी बैलेंस होनी चाहिए। एंड ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, वी लैक द अवेयरनेस कि क्यों बैलेंस डाइट जरूरी है। जैसे घरों में आप देखेंगे स्पेशली बच्चों में कि नहीं मुझे आलू पसंद है, मैं आलू ही खाऊंगा, ठीक है, आई वॉन्ट ईट से भिंडी और पत्ता गोभी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये अवेयरनेस की वजह से भी होता है, ड्यू टू बिकॉज आप पीपल लैक द अवेयरनेस। उसके अलावा इंडिया की पोजिशन ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये रही है 96 आउट ऑफ 132 नेशंस, ओके। तो ये दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी काफी पुअर है, हालांकि इसकी मेथोडोलॉजी पे बहुत क्वेश्चन मार्क है, एंड इवन आई एग्री कि ये उतना अच्छा नहीं है। बाकी इस रिपोर्ट ने हाईलाइट क्या किया था इंडिया में, उसने बात की थी कि इंडिया में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफी लीकेजेस हैं अभी भी, और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका वो पूरी तरीके से स्टेपल फूड पर फोकस करता है, सिर्फ राइस और वीट देने पर, ना कि एक बैलेंस डाइट देने पर। उसके अलावा इंडिया का फूड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, स्पेशली स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। 30% हमारा जो फूड है या क्रॉप प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ कई बार लोग फेंक जाते हैं सड़कों पे आलू टमाटर प्याज जब प्राइस हद से ज्यादा गिर जाते हैं, क्यों फेंक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे कोल्ड स्टोरेज नहीं है जो उसको आगे के लिए स्टोर कर सकें, ओके। और इसके अलावा एक और रीजन जो दिया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने, उसने कहा था क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंडिया में, ठीक है। इतनी हाई पॉपुलेशन, उसमें से 80 करोड़ लोग सब्सिडाइज फूड पर डिपेंड है, एंड उसके बावजूद क्लाइमेट की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में हीट वेव्स आई थी,
उसने वीट के प्रोडक्शन को गिरा दिया था 20%। तो ये सारी चीजें ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने हाईलाइट की थी हमारे लिए। सो दीज वर दी की इश्यूज जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किए गए। नेक्स्ट इज इनका कहना है कि देर इज नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इज वी नीड टू शिफ्ट टू ए बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सिर्फ राइस पे हद से ज्यादा डिपेंड होना भी ठीक नहीं, लीन प्रोटीन। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ दिस फूड हाई इन शुगर एंड सॉल्ट कंटेंट, वो उतना ज्यादा लेना भी ठीक नहीं है। इसके अलावा हमें अपने जो फूड है इसको और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या करना होगा कि जो इनपुट कॉस्ट है इनको ग्रो करने में उसे रिड्यूस करना होगा, और ये हो पाएगा जब हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाएंगे, लाइक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जितना ज्यादा हमारा यूसेज कम होता जाएगा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का, उतना कम इनपुट कॉस्ट होता जाएगा एंड प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा फार्मर का, और अल्टीमेटली जो ओवरऑल प्राइस है वो रिड्यूस होते जाएंगे, राइट? इसके अलावा इस शिफ्ट करना है जो बैलेंस की डाइट में, तो उसके लिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट लाइक कि आई विल ईट ओनली व्हाट इज टेस्टी टू मी। ओके, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट, और उसके लिए हमें अपने पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज डेवलप इक्विटेबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। है हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन उसके बाद भी इसमें सोल फोकस जो है वो मेजोरिटी राइस पर ही रहता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर वीट का प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ था, तो इतना राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि इवन जो बेनिफिशियरी थे वो लोग भी ले आके दूसरी बाहर मार्केट में दूसरी शॉप से बेच के गेहूं खरीद रहे थे रिटर्न में। ओके, सो वी नीड टू डेवलप ए इक्विटेबल फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज वी नीड टू फोकस ऑन रूरल एंड लो इनकम पॉपुलेशन, स्पेशली हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जैसे ओल्ड एज पीपल, ठीक है, या ऑर्फन पीपल, या फिर जो रोड साइड पे रहते हैं होमलेस पीपल है, इन पे ध्यान देने की हमें ज्यादा जरूरत है। और रूरल एरियाज में इसलिए क्योंकि रूरल एरियाज में भी लगता है कि बस चपाती एंड राइस दैट इज कंप्लीट डाइट, सो इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू मेक देम अवेयर अबाउट अ बैलेंस डाइट, तभी हम ये जो मेल न्यूट्रिशन और वुमेन्स में एनीमिया, चिल्ड्रंस में इसको काउंटर कर पाएंगे। अब इसको और ज्यादा लो इनकम वालों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब्सिडाइज कर सकते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज करंट चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस एट प्रेजेंट लेवल। फर्स्ट चैलेंज इज फूड अफोर्डेबिलिटी। जब डाइवर्सिफाइड बास्केट की बात की जाती है तो मेजॉरिटी के साथ प्रॉब्लम है कि वो उतना डाइवर्सिफाइड फूड उन्हें नहीं मिलता है, अफोर्डेबल नहीं है, हाई लेवल ऑफ अंडर नरिशमेंट। क्योंकि हम लोगों ने हुआ गया है कि हमारे एग्रीकल्चर में ही हमने पूरा फोकस किस पे किया है, मोनोक्रॉपिंग पे। कहीं पे वीट ही वीट ग्रो किया जा रहा है, कहीं पे राइस ही राइस ग्रो किया जा रहा है, तो उतना ज्यादा हम लोग अपनी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमारी जो ओवरऑल फूड बास्केट है वो भी डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रही है, और एक अनबैलेंस्ड डाइट ले रहा है पूरा इंडिया, जिसकी वजह से अंडर नरिशमेंट के काफी हाई लेवल देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड प्रोग्रेस टुवर्ड्स जीरो हंगर। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने अपने सामने गोल तो रख लिया कि हमें जीरो हंगर अचीव करनी है वर्ल्ड को, ठीक है, इंडिया को भी, बट द थिंग इज कि जब इसका असेसमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज वेरी लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट। राइजिंग फूड कॉस्ट डेस्पाइट दी फूड सफिशियंसी। अब ये फूड कॉस्ट क्यों बढ़ रही है जब सफिशियंट है हमारे पास फूड? प्राइस तो जब बढ़नी चाहिए ना, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। जब सप्लाई अच्छी खासी है तो फिर क्यों हो रहा है? इसका रीजन है बिकॉज राइजिंग इनपुट कॉस्ट इन एग्रीकल्चर। जितना ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ता जाएगा, फार्मर की इनपुट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एट द सेम टाइम जब आप ओवर इरीगेशन करते हो तो ओवर इरिगेशन के लिए आपको क्या करना है, पंप वगैरह चलाने, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना ही ज्यादा आता है। सो ओवरऑल आपकी एग्रीकल्चर की जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये करंट चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें काउंटर करना है। इसके लिए आप ये सॉल्यूशंस क्या दे रहे हैं? फर्स्ट सॉल्यूशन इज दैट वी नीड टू रेगुलेट फूड प्राइसेस एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस वोंट एग्री, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल टू रेगुलेट फूड प्राइसेस, अदरवाइज फिर वो मार्केट इकोनॉमी का कोई कंसेप्ट ही नहीं रह जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा बस ये कर सकते हो कि कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए या तो सब्सिडाइज कर सकते हो जो इंडिया कर ही रहा है, या फिर आप फार्मर की इनपुट कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो बाय गिविंग हिम दी सब्सिडी। जैसे पंजाब में सब्सिडी दी जाती है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आएगा फार्मर का, इट इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी, राइट? या फर्टिलाइजर यूरिया पे सब्सिडी दी जाती है, तो वो भी एक तरीके से इसी इनपुट कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फूड प्राइसेस हद से ज्यादा ना बढ़े। ओके, तो ये सॉल्यूशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
इम्प्रूव एक्सेस टू बैलेंस डाइट। अब ये एक्सेस डिपेंड करता है लोगों की इनकम पे, क्योंकि अगर इनकम अच्छी नहीं है तो इंसान बस यही सोचेगा कि जो बेसिक खाना है वही खा लूं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नॉन वेज या प्रोटीन डाइट के बारे में नहीं सोच सकता। सो इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द पीपल। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज एनकरेज सस्टेनेबल रेजिलियंट फूड प्रोडक्शन। ये जरूरी इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा हम सस्टेनेबल फार्मिंग करेंगे उतना ही कम हमारी इनपुट कॉस्ट होती जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्शन जो है हमारा वो वैरी नहीं करेगा हद से ज्यादा। जैसे कि पंजाब में हीट वेव का एग्जाम्पल, हम क्लाइमेट रेजिलियंट सीड वेराइटीज ग्रो कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा एस्टिमेट हो कि हमारी इस साल क्या कितनी यील्ड आ सकती है। बिकॉज वी नो कि हमने ड्रॉट प्रोन या फ्लड प्रोन सीड्स यूज करें तो हमारी यील्ड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर फ्लड आ जाते हैं या ड्रॉट आ भी जाते हैं तो। नेक्स्ट सोल्यूशन इज बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेटर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें सबसे बड़ा इश्यू होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। क्योंकि अगर 30% आपका फूड वेस्ट हो रहा है ओवरऑल एवरी ईयर, दैट मीन्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। कई बार आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अदर पेरिशेबल्स ये मार्केट तक पहुंचने से पहले खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट नहीं है, हमारी लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट इज एड्रेस द रीजनल डिस्पैरिटीज इन फूड एक्सेस। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर फूड एक्सेस करना उतना आसान नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है, तो ऐसे रीजन्स के लिए हम रेडीमेड या टेलर मेड अलग से पॉलिसी बना सकते हैं कि इस रीजन में से फॉर एग्जाम्पल बुंदेलखंड या फिर छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन, इसमें गरीबी ज्यादा है, वहां पे फूड एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू, तो वहां पर रेगुलेट किया जा सकता है प्राइस को अलग तरीके से एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज अनहेल्दी डाइट्स इन इंडिया। तो ये तो हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम लोग बहुत ही इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स, इनका बहुत हाई इंटेक होता है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट सब्सिडीज एंड रेगुलेट मार्केट्स फॉर हेल्दी फूड। दिस इज नॉट पॉसिबल। सी इट्स नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्राइसेस को रेगुलेट करना शुरू कर दे, दैट्स नॉट गोना हैपन इन अ मार्केट इकोनॉमी। इसके अलावा रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या न्यूट्रिशन की बातें आप अर्बन एरियाज में फिर भी सुनोगे, बट रूरल एरियाज में उतनी ज्यादा इनके बारे में बातें नहीं होती हैं। दे डोंट केयर वॉट इज बैलेंस डाइट, वॉट इज न्यूट्रिशन एंड ऑल, दे ओनली नो कि हाँ बेसिक खाना क्या है, बस उतना मिलना चाहिए। अंडर नरिशमेंट ट्रेंड्स एंड डेटा, इसे ऑब्जर्व करना होगा कि आखिर क्यों हमारी आज भी 30% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा वेमेन्स एंड न्यू बॉर्न इन्फेंट्स मेल नरिश्ड होते हैं, एनेमिक होते हैं, एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रगलिंग विद एडिक्वेट फूड इनटेक, ठीक है। तो इसके लिए जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा हम उतनी प्रॉपर पॉलिसी नहीं बना सकते। ओके, सो दिस वॉज द आर्टिकल और इसके नोट्स ऊपर लिखे हुए हैं, ये आप सेल्फ रीड कर लेंगे। हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम आर्टिकल। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन। ओके, आई वॉन्ट यू टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पॉज करो और देखो। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम आर्टिकल। ये सारे आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं मैंने, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इट्स नॉट काइंड ऑफ की फैक्ट्स बेस्ड बातें नहीं की है यहाँ पे। ओके, सो दैट वॉज द फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड हम लोग चलते हैं, यील्ड कांट बी द सोल इंडिकेटर फॉर एग्रीकल्चर। सिर्फ यील्ड पे अगर फोकस करेंगे तो हम अपनी सॉइल, अपने वाटर रिसोर्सेज, अपना ओवरऑल इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर लेंगे। मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर की वजह से क्या होता है, हमने क्रॉप रोटेशन करना बंद कर दिया। उस क्रॉप रोटेशन की वजह से एक तो हमारी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो खराब हो गए, दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज कि वहां की जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी थी या प्लांट की जो रेजिस्टेंट डिजीज और पेस्ट को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी थी वो सब हमने डिस्ट्रॉय कर दी, राइट। उसको वो चैलेंज फेस ही नहीं करने दिया हमने क्रॉप को कि वो नेचुरली अपने आप को इस लायक बना पाए। जस्ट अ सेकेंड, नो जस्ट अ सेकेंड, देयर इज सम इशू विद माइक। ओके, इट्स फाइन। चलिए, ये आपके नोट्स रहेंगे इस पे, ये आप सेल्फ रीड करेंगे पीडीएफ से, मैं आपको लेके आता हूँ सीधे आर्टिकल पे। नाउ यील्ड एज अ सोल इंडिकेटर, नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ही सेइंग व्हाट आर द करंट इश्यूज। अगर हम सिर्फ यील्ड पर ही एम्फेसिस देते हैं कि पर हेक्टेयर या पर एकड़ हमें ज्यादा ग्रो करना है। सेकेंड इज क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं, कुछ
कुछ स्टडीज की एग्जाम्पल दिए हैं लाइक आंध्र प्रदेश से, एंड देर इज नीड फॉर एन ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर. सिर्फ यील्ड नहीं, हमें एक ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर भी डेवलप करना होगा. इसके अलावा क्या रिकमेंडेशन है फर्दर, एंड वॉट शुड बी दी फ्यूचर फोकस एरिया. ठीक है, तो वन बाय वन इनकी बात करते हैं. लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट दी करेंट इश्यूज. दिस ओवर एम्फेसिस ऑन दी यील्ड, दैट इज केजी पर हेक्टेयर. इससे क्या हो रहा है कि हम लोग जो अदर इनपुट्स हैं उनको नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं. जैसे वाटर, पंजाब में ज्यादा से ज्यादा यील्ड निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम क्या फॉर्मूला दिया था गवर्नमेंट ने, यूज एज मच फर्टिलाइजर यू वॉन्ट टू यूज. ठीक है, यूज बेस्ट क्वालिटी ऑफ द सीड. ठीक, वो भी ऐसे सीड्स जो वहां की लोकल एरिया या लोकल क्लाइमेट के लिए नहीं है. ठीक है, इंडिजिनस सीड्स नहीं है ये बाहर से लाए गए हैं अलग से. लेकिन हमने किया उस टाइम यूज. ठीक है, यूज एज मच वाटर यू वॉन्ट टू यूज. ठीक है, अब इस ओवर फर्टिलाइजर से हमने क्या कर दिया, हमने अपनी सॉइल में सैलिनिटी ज्यादा बढ़ा ली. ठीक है, हमने अपनी सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको खराब कर दिया. और एक और फोकस इन्होंने किया मोनोकल्चर पे, मोनोक्रॉपिंग पे. इस मोनोक्रॉपिंग ने भी हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट पुअर बना दिया, बैलेंस बिगाड़ दिया सॉइल का. वाटर ने क्या किया, हमारा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा किया कि ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया. तो इस यील्ड पे ओवर एम्फेसिस ज्यादा करने की वजह से हमने अपने वाटर रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन, अपनी सॉइल हेल्थ, इन सब को डैमेज कर लिया. और एक और चीज ये होती है कि जब हम सेम टाइप का क्रॉप बार बार ग्रो करते हैं ना, और वो भी ये हाई यील्ड वैरायटी वाले, कि ब्रिंग द सीड्स जिनकी यील्ड बहुत ज्यादा हो, हमेशा देखा गया है कि ये जो हाई यील्ड वैरायटीज हैं इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है. ओके, दे लैक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे आपको, माइक्रो नहीं मिलेंगे. And from you, I want to know the micronutrients and macronutrients. Okay, mention the name. Okay, so they lack micronutrient. और फिर हम लोग क्या करते हैं कि चलिए हम लोग fortification करेंगे. Fortification of rice हमने थोड़े दिन पहले देखा. तो पहले तो हम high yield के चक्कर में हमने high yield varieties use की, जिसमें macro micronutrients की वैसे ही कमी थी. अब उसके बाद फिर हमने वापस कहा कि चलिए fortification करते हैं, micronutrients बढ़ाते हैं, बच्चों को हेल्दी बनाते हैं. तो ये तो फिर जीरो सम गेम हो गया. नेक्स्ट इश्यू इज बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू हाई यील्ड क्रॉप्स. ये क्रॉप रोटेशन नहीं हो रहा है, एक मोनोक्रॉपिंग हो रही है. वही सेम सॉइल, सेम क्रॉप यूज किया जा रहा है बार बार, तो सॉइल को अपने आप को वापस से रिसाइकल करने का वक्त नहीं मिल रहा है. उसके पास एक ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती जा रही है जो क्रॉप अपने अंदर लेता जा रहा है. नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड इकोसिस्टम, ओवरऑल इकोसिस्टम पे, क्योंकि इससे हमारा पूरा का पूरा बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाता है. बिकॉज जब हम लोग नेचुरली ग्रो होने देते हैं इनको, जो इंडिजिनस सीड्स वैरायटी है, तो ये क्रॉप नेचुरली अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दोज वीड्स, ओके, या फिर जो भी डिजीज वहां पे आते हैं, इनके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप होती है. लेकिन हम लोग इतना ज्यादा वीडीसाइड और पेस्टिसाइड ये सब यूज कर लेते हैं कि फिर इन क्रॉप्स को खुद से अपनी रेजिस्टेंस डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो इन्होंने हाईलाइट किए, फर्स्ट इज दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन हाई यील्ड क्रॉप्स. दिस इज वन थिंग, अगर हम हाई यील्ड क्रॉप्स के पीछे भागेंगे तो पहली चीज तो हम लोग अपने बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कर लेंगे, मतलब पूरी पॉपुलेशन को ही. सेकेंड इज देयर विल बी डिक्लाइन इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड. अब जब उस क्रॉप में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो अल्टीमेटली जो फूड भी होगा उसमें भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं रह जाएगी. देयर विल बी रिड्यूस क्रॉप डाइवर्सिटी, देयर विल बी लॉस ऑफ लोकल वेराइटीज. क्योंकि हमारा फोकस क्या है, सिर्फ यील्ड पर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से लेके आइए सीड्स जिनकी वैरायटी अच्छी हो, जो ज्यादा यील्ड दे सके. और जो लोकल वैरायटीज है जो यील्ड तो कम देती हैं लेकिन ज्यादा न्यूट्रिशन देती हैं, ठीक है, उनको हम लोग पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर जाते हैं. लैक ऑफ रेजिलियंस अगेंस्ट दी क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रेजिलियंस नहीं हो पाएगा अगर हम सिर्फ एक ही क्रॉप पे डिपेंड करेंगे. सपोज कि कोई ड्रॉट आया, फ्लड आया या कोई और डिजास्टर आया और ये जो क्रॉप था ये पूरी तरीके से फेल हो गया, या कोई नया डिजीज आ गया उसने एक पर्टिकुलर क्रॉप को हार्म किया एंड ये सब कुछ फेल हो गया. अब आप तो एक ही क्रॉप पे डिपेंड थे, आपने तो कोई डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं की थी क्रॉप्स में, ठीक है, तो सब कुछ फेल हो जाएगा आपका पूरा, राइट. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे ICAR की एक स्टडी थी, जिंक आयरन लेवल्स ड्रॉप इन हाई यील्ड क्रॉप्स. उन्होंने स्टडी किया था ऐसे हाई यील्ड क्रॉप को, उसमें देखा गया कि जिंक एंड आयरन लेवल में कमी थी. नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश की एक स्टडी की थी, वहां पे उन्होंने कहा था कि जो इंटरक्रॉपिंग होता है उसके ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं यील्ड पर, ठीक, इसलिए इंटरक्रॉपिंग को ये ज्यादा रेकमेंड कर रहे हैं.
सो यील्ड को चलिए हम हटा देते हैं कि चलिए आप गलत चीज हो, आपसे नहीं कर रहे, बट व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो ये बोल रहे हैं कि दैट वी शुड यूज इज न्यूट्रिशनल आउटपुट पर हेक्टेयर पर ईयर। हमें यहां पर सिर्फ यील्ड नहीं देखनी है पर हेक्टेयर पर ईयर, यील्ड को हटाइए, हमें देखना है न्यूट्रिशनल आउटपुट, यानी कि यहां पर जितने भी क्रॉप्स आपने ग्रो किए हो थ्रू आउट द ईयर, एक इस सपोज 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे आपने जितने भी क्रॉप्स यूज करे हो अलग अलग सीजन में अलग अलग मंथ में, उसकी हमें टोटल बता दीजिए कि उनका न्यूट्रिशनल आउटपुट कितना रहेगा। ठीक है, सो इनके अकॉर्डिंग वी शुड फोकस ऑन न्यूट्रिशनल आउटपुट पर हेक्टेयर रादर देन यील्ड पर हेक्टेयर। बट आई पर्सनली बिलीव कि ये जो बात कर रहे हैं ये उन कंट्रीज के लिए ठीक है जहां पर पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, बट इंडिया में जिस लेवल की पॉपुलेशन है और जिस लेवल की इनकम है हमारे यहाँ लोगों की, ये उतना सस्टेनेबल पैरामीटर नहीं होगा हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट इज दूसरा, हमें मॉनिटर करनी चाहिए सॉइल की हेल्थ एंड उस सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन का कंसंट्रेशन कितना है, वो हमें एक इंडिकेशन दे सकता है कि हमारी सॉइल की हेल्थ कैसी है। ठीक है, और यही हमें बताएगा कि हम यील्ड को छोड़िए, हमें ये देखना है कि हमारा सॉइल का हेल्थ कैसा है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कितना है। उसके अलावा हम जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसमें वाटर यूज कितना एफिशिएंसी के साथ हो रहा है, जैसे सपोज कि आप ड्रिप इरिगेशन वगैरह यूज कीजिए, ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज कीजिए, और अल्टीमेटली उस पूरी फील्ड की उस फार्म की बायोडाइवर्सिटी कितनी मैनेज है। क्योंकि कई बार होता है कि कई ऐसे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हम यूज कर देते हैं जो पॉलिनेटर्स को हार्म कर रहे हैं, और पॉलिनेटर्स का हार्म होना यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम का हार्म होना। इसके अलावा आपने एक पर हेक्टेयर लैंड लिया, उसमें क्रॉप डाइवर्सिटी कितनी है और इकोनॉमिक रेजिलियंस कितना है, कि कल को अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने मल्टी क्रॉपिंग की है, अलग अलग क्रॉप ग्रो किए हुए हैं, एक क्रॉप फेल हो गया या दो फेल हो गए, उसके बाद भी यहाँ से कितना आउटपुट निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये चार इंडिकेटर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट इज व्हाट आर फर्दर रिकमेंडेशन, तो यहाँ पे इनका कहना है कि एक मल्टी मिनिस्ट्रियल अप्रोच लेना चाहिए जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, ये सब होने चाहिए और इन्हें मिलके एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए ओवरऑल हमारी पूरे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर काम कर रहा है और दूसरी तरफ वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्टर वो अलग ही काम कर रहे हैं, सिलोस में काम नहीं करना है। यू शुड हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स सेफगार्डिंग और कंजर्विंग आर होल इकोसिस्टम। सेकेंड इज वी शुड एम्फेसाइज आर सॉइल हेल्थ, वाटर एफिशियंसी एंड बायोडाइवर्सिटी। वी शुड प्रोमोट डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड लोकल वेराइटीज एंड वी शुड ऑल्सो डेवलप मैट्रिक्स। ठीक है, एक नया पैरामीटर डेवलप करना होगा फॉर ईयर राउंड सस्टेनेबल फार्मिंग, राइट? सो फ्यूचर में हमारा फोकस होना चाहिए फ्रॉम यील्ड मैक्सिमाइजेशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वी शुड एनहांस आर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नाउ लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर कि ऐसा नहीं है कि मैं इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा सकता था। ठीक है, आई कैन आई वुड हैव इलेबोरेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट विद मैनी मैनी एग्जाम्पल्स, बट द थिंग इज कि दिस इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट दैट यू नीड टू प्रिपेयर। हमें सिर्फ इतना कंटेंट होना चाहिए हमारे पास कि हम 250 वर्ड्स का आंसर लिख लें, और ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, ये जरूर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि हम लोग जो सिर्फ यील्ड पे फोकस कर रहे हैं तो फिर क्या ये ठीक होगा फ्यूचर के लिए या ये सिर्फ प्रेजेंट के लिए ठीक है। बेस्ड ऑन द आर्टिकल आई हैव पोस्टेड फ्यू क्वेश्चंस हियर, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 विद रिगार्ड टू सेम आर्टिकल एंड दिस इज थर्ड वन। सी यहाँ पे मैंने आपको जानबूझकर ये कंसेप्ट स्किप कराया, आर्टिकल में था लैंडस्केप डाइवर्सिटी स्कोर, ठीक, बट कई बार इस तरह की चीजें न्यूज में आएंगी जो एग्जाम हॉल में आपको पता नहीं होंगी, बट कहीं ना कहीं आप अपना कॉमन सेंस यूज करके उसको आंसर कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे तो हमने आर्टिकल ही डिस्कस किया उसी चीज से रिलेटेड, तो आप आंसर कर लोगे, बट ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ कि कोई चीज में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि आखिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस पे वैलिड होगा। नेक्स्ट इज ए नोबेल फॉर एक्सप्लेनिंग वाई नेशन फेल। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं बिकॉज ये भी वंडरफुल आर्टिकल है, और इसके अलावा कंटेनर्स को लेकर एक आर्टिकल है, इस पर हम वापस आएंगे। ये सेल्फ रीड तो आप कर ही लेंगे पीडीएफ से, बट हम लोग यहाँ पे चलते हैं पहले नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे उन्होंने दो ऐसी चीजें हाईलाइट की है, फर्स्ट इज इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, सेकेंड इज एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं रशिया का और एक लेके चलते हैं इंडिया का। मैं चाइना का एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो वर्ल्ड में एक्सेप्शन है अपने आप में, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा रशिया और इंडिया को लेके चलते हैं। अब नेहरू जी को हम कितना भी लोग कितना भी बुरा बोल लें, बट द थिंग इज कि इन्होंने एक चीज इंश्योर की थी कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं
ये इंक्लूसिव होने चाहिए ठीक, जो देश के लिए वर्क कर रहे हो। और इसका एग्जाम्पल है कि जब हमारे एक इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने 10 फैक्ट्री लगवाई थी जापान की इंडिया में, तो पूछा था जापानीज कंपनीज ने कि हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से चलता था वर्ल्ड पहले। बट उन्होंने कहा था कि नहीं आप मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप 10 की जगह 11वीं फैक्ट्री भी लगा दीजिए, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उस टाइप की ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ हुआ करते थे एक जमाने में, आज की बात तो छोड़ ही दीजिए। इंडिया रशिया, रशिया में क्या रहा है, पहले स्टालिन और स्टालिन से चलते चलते ये लोग आए पुतिन तक। यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए इन्होंने जो कहीं ना कहीं सेल्फ फोकस थे, अपने आप से ही ऑब्सेस थे, कंट्री से नहीं, कंट्री के लोगों से नहीं बस, बट खुद से। ठीक है, तो हमने चूज किए ऐसे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस और इन्होंने चूज किए ऐसे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। इन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का हमेशा से गोल रहा शॉर्ट टर्म, वी नीड वेल्थ। ठीक है, आज रिसोर्स है हमारे पास, ऑयल है, गैस है, डायमंड्स है, पर्ल्स है, चलो लेट्स एक्सप्लॉइट देम। सेम इज द केस विद मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, हाईली करप्ट पीपल इन देयर गवर्नेंस। ओके, आप देखेंगे कि वहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, उनका जब एक प्रेसिडेंट के घर पे रेड पड़ी थी, वो सिर्फ फ्लोरिंग करा रखी थी गोल्ड से, टॉयलेट सीट तक उसकी गोल्ड की थी। तो उस तरह के लोग थे जिनका सिर्फ सिंपल सा गोल रहता है शॉर्ट टर्म, जब तक जियो मौज करो। ठीक है, बट इंडिया में उस तरह का नहीं था, हमने इंश्योर किया कि लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री जो है वो सिर्फ यूनिफाइड ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पेरस हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेड डाउन किए। हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए क्योंकि प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने बेटर होंगे उस पर डिपेंड करता है कि एक कंट्री लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने वही अपनी एक बुक में लिखा, उसी रिसर्च पे बेस इनको नोबेल प्राइज मिला है, और उन्होंने बात की कि कंट्री पुअर होगी या रिच होगी ये डिपेंड करता है उसके इंस्टीट्यूशंस पे, या तो वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं या एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। क्योंकि एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा आपकी प्रॉपर्टी राइट्स को, आपकी डेमोक्रेसी को। हमारे यहाँ भी राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 32 को लेकर काफी टाइम विवाद रहा, ठीक है, हालांकि बाद में उसको सेटल कर दिया गया। लेकिन अगर आज ऐसी रिजीम हो हमारे यहाँ पर जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल को ये जनता से उसकी प्रॉपर्टी ना छीन ले किसी बेसिस पे बिना कोई कंपेंसेशन दिए, तो फिर इंसान के पास कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता लाइफ में हार्डवर्क करने का। ओके, जैसे इवन मल्टीनेशनल कंपनीज भी चाइना जाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, बट इवन दे आर ऑलवेज अंडर द थ्रेट कि ये कम्युनिस्ट रिजीम है, ये कब हमारी कंपनी को नेशनलाइज कर देगी, देयर इज नो गारंटी। तो फिर वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब चीजें इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। तो जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होगा वो अपने पब्लिक की प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करेगा, वो डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करेगा, वो प्रमोट करेगा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। IIT IIM एम्स क्यों बनाए गए थे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर। ठीक है, वो एनकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट इन दी कंट्री एंड इनोवेशन। वो ये नहीं सोचेगा कि चलिए हमारे यहाँ पे कोल मिल रहा है, हमारे यहाँ पे सपोज कोई भी चीज मिल रही है रॉ मटेरियल, इसको एक्सपोर्ट कर दो और पैसे बना लो। नहीं, हमने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए कि इस रॉ मटेरियल को हम लोग अपने ही लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करेंगे, हम लोग स्टील बनाने में यूज करेंगे, जो लोगों के घर बनाने में काम आएंगे। आज अफ्रीकन कंट्रीज अब जाके जागी हैं कि हमें रॉ मटेरियल नहीं, आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, बट पिछले 70 साल तक उन्होंने सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर करके पैसा बनाया, और उनके यहाँ जो रूलर्स थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में रूल किया, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका सिंपल मोटिव था कि अपना फायदा देखो, अभी लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचो, इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज पुअर रह गई। ओके, क्योंकि उनके यहां पर मोस्टली थे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जहां पर प्रॉपर्टी राइट सिक्योर नहीं थे, एग्जांपल रशिया। ओके, देयर वाज लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम रशिया। ठीक है, दे वाज फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्लंडर, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते चलो और रिच बनते जाएंगे। वेनेजुएला क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, वो बर्बाद हो गया ह्यूगो चावेज के मरने के बाद, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर करके बेचते चले गए। सऊदी अरेबिया भी ऑयल पे इतना ज्यादा डिपेंड है, लेकिन अब वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। दुबई एक टाइम पूरा ऑयल के लिए था, लेकिन उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया कि ऑयल तो खत्म होने वाला है, और हो भी गया, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट, फिनटेक। ठीक है, सो ये लोग फोकस करते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लंडर पे, एंड दे इनहिबिट द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अगर आप सिर्फ रॉ मटेरियल निकाल के बेचते रहोगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं बनाओगे, फिनिश प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज नहीं बनाओगे, तो लॉन्ग टर्म में कंट्री में प्रोस्पेरिटी नहीं आती है। और ये इंक्लूसिव वर्सेज एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस ही डिसाइड करते हैं कि आपकी कंट्री पुअर रहेगी या रिच बनेगी।
और इसके साथ इन्होंने यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी दिया है, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पावर। आपके यहाँ पर अगर ऐसी कॉलोनियल पावर रही होगी जिसने सिर्फ आपको आपसे रॉ मटेरियल लेना या आपकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए रूल किया होगा, या आपके यहाँ पर ऐसी पावर रही थी जिसने आपके यहाँ इंस्टीट्यूशंस को बेटर बनाने पे काम किया। बट वर्ल्ड में ऐसी कोई पावर है ही नहीं जिसने किसी को अपनी कॉलोनी बनाया हो और उसका वेलफेयर किया हो, सबने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है कॉलोनीज को। ओके, तो ये एक्सट्रैक्टिव सिस्टम जब जनरली हमें देखे जाते हैं हाई मोर्टेलिटी एरियाज में, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका। इंक्लूसिव सिस्टम एनकरेज वेयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ वॉज नीडेड। जैसे साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि पॉलिटिकली इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाए थे, हालांकि उन्होंने सिर्फ व्हाइट का डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए बनाए थे, बट साउथ अफ्रीका इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मान लिया था कि यहाँ का क्लाइमेट हमारे इंग्लैंड जैसा ही है एंड वी वॉन्ट टू सेटल हियर परमानेंटली। बट इंडिया का क्लाइमेट ब्रिटिशर्स को कभी अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ब्रिटिशर्स को कि हमें इंडिया में सेटल हो सकते हैं हम लोग। उन्होंने इंडिया को कभी लॉन्ग टर्म से नहीं देखा, लेकिन साउथ अफ्रीका को उन्होंने लॉन्ग टर्म से देखा था। ठीक है, हालांकि उन्होंने बाद में एपार्थाइड रिजीम चलाई, ब्लैक व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक, बट उन्होंने साउथ अफ्रीका को एज अ परमानेंट होम मान लिया था बहुत पहले से। इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस जो होंगे दे विल ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। क्यों? क्योंकि हमेशा से फोकस यही है शॉर्ट टर्म का प्लंडर करना है हमें, तो लॉन्ग टर्म में आपको कभी ये नहीं सोच सकते कि आज हम लोग फाउंडेशन रख रहे हैं अपनी इकोनॉमी की, कल को ये हमें रिजल्ट देंगे। नेहरू जी ने कहा था दीज डैम्स आर द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था यही डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी, इन्हीं डैम से इरिगेशन भी होगा, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हम फूड सिक्योरिटी अचीव कर पाएंगे और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के, बट इसलिए कभी स्टैग्नेशन नहीं आता ऐसी इकोनॉमी में क्योंकि पहले से फाउंडेशन रखे गए हैं, ये रिजल्ट देंगे हमें फ्यूचर में। लेकिन जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होंगे दे विल लीड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। ये सारे कंसेप्ट समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन। एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन दे विल फोस्टर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव है वो रॉ मटेरियल को एज इट इज यूज नहीं होने देगा, वो चाहेगा कि हमारा एक खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस? These institutions are crucial in shaping the economic success. अगर लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो सक्सेस मिलेगी, शॉर्ट टर्म में सोचेंगे तो नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जो पावर में बैठे लोग हैं बस वही रिच बनेंगे। जैसा अफ्रीका में 10% पॉपुलेशन सुपर रिच है लेकिन बाकी 90% ऑलमोस्ट नियर पॉवर्टी। डिफरेंस बिटवीन रूल्स ऑफ द गेम फॉर डेवलपमेंट। सो यहां पर ये जो कंट्रीज हैं जहां पर इंक्लूसिव और एक्सेप्टिव इंस्टीट्यूशन हैं उनके गेम के रूल्स ही अलग है दोनों के। बिल्कुल, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पे सीधे मैटर करता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्या डेमोक्रेटिक है, क्या पब्लिक के सामने कोई अकाउंटेबिलिटी है। जैसे मोदी सरकार को मैं क्यों क्रिटिसाइज करता हूं बार बार, अभी 2 दिन पहले मैं देखा आरटीआई एक्ट उन्होंने कमजोर किया, राइट? उन्होंने विसल ब्लोअर बिल आज तक रूल्स फ्रेम नहीं किए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया, आपसे कह रहे हैं कि आइडेंटिटी बताइए फिर आपकी कंप्लेन को हम लोग कंसिडर करेंगे। मरना थोड़ी है किसी को अपनी आइडेंटिटी बता के। एट द सेम टाइम पीएम केयर फंड में आपने जनता से पैसे लिया लेकिन जनता को हिसाब देने से मना कर दिया कि ये पब्लिक फंड नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा जहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम इंक्लूसिव टू दिस एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। इंडिया इस वक्त पिछले 10 सालों में इस तरफ मूव कर रहा है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस की जा रही है। मीडिया रियल में गोदी मीडिया बन चुका है क्योंकि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना ही नहीं चाहता। दे आर जस्ट टेकिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड उनका माउथ पीस बन चुके हैं, वो जेन्युइन क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछते भी नहीं है। ठीक है, जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो उसमें सब कुछ आता है, किस दिन इलेक्शन होगा, किस दिन रिजल्ट आ जाएगा, बट आपके एग्जाम 3 3 4 4 साल झुलाए जाते हैं, उसमें नहीं लिखा जाता कि इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये रिफॉर्म की जरूरत है हर स्टेट पीएससी को। सिर्फ एग्जाम की डेट मत बताइए, हमें रिजल्ट की डेट भी बताइए। आप लोग 2 2 2.5 2.5 लाख रुपए सैलरी लेते हो, उसके बाद आप लोग 3 साल लगते हैं आपको एग्जाम की साइकिल कंप्लीट करने में। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस लैक ऑफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन? फर्स्ट इज कि इसमें रूलर्स जो पावर में बैठे हैं वो लोग हमेशा बेनिफिट होता है उनको एक्सट्रैक्टिव सिस्टम में। जैसे आज बीजेपी आरएसएस बैठी है, पहले कभी कांग्रेस और गांधी परिवार थे। ठीक, पहले फिर भी इंस्टीट्यूशन इतने बुरे हाल नहीं थे जितने आज है। क्यों अडानी ग्रुप के लिए रूल्स चेंज किए गए? 3 एयरपोर्ट का रूल था, आपने चेंज कर दिया, अब कितने भी एयरपोर्ट्स एक कंपनी अपने पास रख सकती है, राइट? तो रूलर्स जो लोग पावर में बैठे हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी, कैपिटलिस्ट भी, जिनके पास पावर है दे ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्टिव सिस्टम और वो यही चाहते हैं हमेशा। रेजिस्टेंस टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, दे डोंट वॉन्ट एनी रिफॉर्म एंड लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी।
So you can conclude that inclusive institutions are key for sustained prosperity, and Nobel laureates highlighted the need for better understanding of these institutional impact on nation success. Okay, तो ये सारे कंसेप्ट थे जो आपको समझना जरूरी थे, एंड दीज आर दी क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पे है. वीडियो पॉज करें एंड इसको आंसर कीजिए. ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं पीछे. कंटेनर वाला आर्टिकल था उसकी बात कर लेते हैं. द नीड टू मेक मोर कंटेनर्स टू बूस्ट ट्रेड. अब इसमें जरा इंडिया और चाइना में फर्क देखिए. इंडिया मैन्युफैक्चर करता है अराउंड 10 to 30,000 कंटेनर बॉक्स एवरी ईयर, जबकि चाइना मैन्युफैक्चर करता है 25 लाख से 30 लाख कंटेनर बॉक्सेस पर ईयर. ठीक, हमसे 10 टाइम ज्यादा कंटेनर. जो शिप के ऊपर आप देखते हैं ना रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, उनको कंटेनर कहते हैं. ठीक है, इंडिया में अब हम लोग कम तो बना ही रहे हैं, और हमारे यहाँ बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 3,500 to 4,800 डॉलर, जबकि वहां कॉस्ट आती है चाइना में सिर्फ 2,500 to 3,500 डॉलर. ओके, इसलिए इंडिया को, एक तो कंटेनर कम भी है हमारे यहाँ, ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, इसलिए इंडिया को लीज पे लेने पड़ते हैं कंटेनर बॉक्सेस, एंड मोस्टली फ्रॉम चाइना से ही लेने पड़ते हैं. इसलिए बार बार कहता हूँ, चाइना से आप अपनी इकोनॉमी को डीकपल नहीं कर सकते, चाहे कितना भी लोग चिल्ला लें पान की दुकान पे खड़े होके कि हम ट्रेड बंद कर देंगे तो चाइना बर्बाद हो जाएगा. कुछ नहीं होगा, 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, उसका ओवरऑल 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड है वर्ल्ड के साथ. ओके, सो 3,000 बिलियन डॉलर का ट्रेड करने वाली कंट्री 100 बिलियन डॉलर के ट्रेड से बर्बाद नहीं होगी. सो ये जो कंटेनर की कमी है, ये हमारे यहाँ की लॉजिस्टिकल बॉटल नेक है. ठीक, दीज कंटेनर्स आर सीमलेसली ट्रांसपोर्टेड ओवर रेल, शेप, रोड, रैपिडली कटिंग ट्रांसपोर्टेशन टाइम, पोर्ट डिलेज एंड सो ऑन. ओके, सो जो गुड्स कार वगैरह को हम जब कंटेनर्स के थ्रू भेजते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है काफी इजी हो जाता है. एंड दीज कंटेनर्स आर स्टैंडर्डाइज इन डायमेंशन, सभी एक ही साइज के, एक ही डायमेंशन के मिलेंगे, और कार्गो कैरिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी होती है. एक कंटेनर में आप काफी सारा गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. इंडिया हैज सॉट टू इंक्रीज कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी इन वेरियस पोर्ट्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट, सच एज वाधवान पोर्ट, गलाथिया बे पोर्ट. ठीक है, ये दोनों मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं. इसके अलावा हम लोग जो मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे, IMEC, जो कि अब डिसरप्ट हो गया है वॉर की वजह से. ओके, इन सब में मेन फोकस यही था कि कंटेनर के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स को एक बूस्ट मिल सके. ओके, सो दिस शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स ऑफन जैक अप द फ्राइट रेट. अब इंडिया में क्योंकि कंटेनर्स की शॉर्टेज है, लेकिन सामान आपको भेजना है, तो फिर क्या होगा कि इनकी रेट बढ़ जाएंगे. अच्छा, आपको पहले भेजना है, लेकिन कंटेनर लिमिटेड है, तो अब हम इतने नहीं, इतने रुपए आपसे मांगेंगे. ठीक है, तो इसका एक लॉस तो ये होता है कि शॉर्टेज की वजह से हमारे फ्राइट रेट बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसके अलावा फिर कंजेशन भी होता है इंडियन पोर्ट्स पे. ठीक, उसके बाद हमारे पास कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था अभी तक. अब धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए बड़े मदरशिप जो आते थे वो कोलंबो, दुबई या हांगकॉन्ग के पोर्ट तक आते थे, उसके बाद फिर इंडियन पोर्ट्स तक हम लोग छोटे शिप्स के थ्रू लेकर आते थे. बट अभी वेस्ट एशिया में क्राइसिस होने की वजह से काफी सारी शिप सरकमवेंट करके जा रही है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, बट उससे करीब 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाता है, और 10 से 15 दिन ज्यादा लग जाते हैं. उसके अलावा यूक्रेन और रशिया वॉर ने भी काफी सारे पोर्ट को क्लोज कर दिया. ठीक है, रूट चेंज हो गए, और क्योंकि वो हम हाउदी रेबल्स ने वहां पे डिस्टर्ब किया स्विस कैनाल के पास, तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई ट्रांसपोर्टेशन की. ठीक है, वाइट शिपिंग एंड ऑल, ये सब बातें हमने पहले की है आपके साथ न्यूज एनालिसिस में. ठीक है, पायरेसी भी इंक्रीज हो गई, उस वजह से भी फ्राइट कॉस्ट बढ़ गए. एंड सो इट मेक्स सेंस टू बिल्ड ए लार्ज एंड सिक्योर सप्लाई ऑफ कंटेनर बॉक्सेस. तो हमें ये जो चाइना से लीज लेने पे या किसी और कंट्री से, इसके इस पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, एंड हमें अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए. और इसी के लिए हमने लॉन्च किया था अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर बॉक्सेस. तो यहाँ पे प्राइवेट मोड में भी शुरू किया, PPP मोड. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी कोलैबोरेट किया प्राइवेट प्लेयर्स के साथ. डायरेक्ट सब्सिडी दी गई, वायबिलिटी गैप फंडिंग दी गई, बट इसके अलावा हमें और भी मेजर्स की जरूरत है. इतने में हम अचीव नहीं कर पाए सक्सेस. ओके, व्हाट वी कैन डू फर्दर, फर्स्ट इज रिडक्शन इन द चार्जेस ऑफ रिपोजिशनिंग और स्टोरिंग एम्प्टी कंटेनर्स. सेकेंड इज एनहांसिंग कंटेनर यार्ड कैपेसिटीज एट इंडियन पोर्ट्स कैन प्रमोट बिजनेस, ताकि हमारे पोर्ट्स इतने बड़े हों कि और ज्यादा कंटेनर्स को वो हैंडल कर सकें. और इसके अलावा गवर्नमेंट सोच रही है कि इसके लिए भी PLI स्कीम लॉन्च की जाए. ठीक है, मैंने आपको बार बार एम्फेसाइज किया, आप सारे सेक्टर्स याद रखिए जिनमें PLI स्कीम दी जाती है. ठीक है, मैंने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी अभी कराया दोबारा. ठीक है, लास्ट ईयर भी कराया था. अभी कंटेनर्स के लिए स्कीम नहीं है. ठीक है, दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर कंटेनर्स प्रोडक्शन.
जीएसटी में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए, स्पेशली उन मैन्युफैक्चरर्स को जो ऐसा रॉ मटेरियल बना रहे हैं जिसको कंटेनर बनाने में यूज किया जाएगा फाइनली. ओके, दिस कैन हेल्प रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट ऑफ कंटेनर प्रोडक्शन. देन वी शुड इंसेंटिवाइज इंडियन शिपर्स कि अगर आप इंडियन कंटेनर या इंडिया में बने हुए कंटेनर यूज करते हो, ओके, और आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए जाएंगे. मैंडेटिंग द यूज ऑफ इंडियन मेड कंटेनर्स एनहांस डोमेस्टिक डिमांड. सो द डेवलपमेंट ऑफ ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग मैकेनिज्म ऑफ कंटेनर्स थ्रू ए यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस. जैसे यूपीआई है हमारा, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं ताकि हम ट्रैक कर सकें इन सबको. एंड लॉजिस्टिक डेटा बैंक बाय द गवर्नमेंट दैट कैन रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम ऑफ एक्सपोर्ट कंटेनर्स एंड ईज देयर शॉर्टेज. बट आई कैन गारंटी यू ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा. न्यूज में आया था, पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, बट नहीं पूछा जाएगा, आई गारंटी यू दैट. जो तीन अच्छे आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम लोग जल्दी से छोटी छोटी न्यूज देख लेते हैं. यहाँ पे कनाडा ने अभी भी वही कहा है कि न्यू दिल्ली ने गलत किया, यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने प्लानिंग की थी हमारे यहाँ सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों को मारने की. यूएसए इंडिया इज नॉट कॉपरेटिंग विद द कैनेडा इन्वेस्टिगेशन. तो यस, दैट इज ट्रू, एंड जरूरत भी नहीं है. अगर आप हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो इंडिया को पूरा राइट है अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने का, अपनी यूनिटी को प्रिजर्व करने का. और यूएसए हमेशा कैनेडा का साइड क्यों लेता है? रिमेंबर द 5i अलायंस, आई होप यू रिमेंबर, हमने बात की है उसी की वजह से. बस इंडिया और यूएस ने यहाँ पे कंक्लूड की एक डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ अनमैन एरियल व्हीकल्स. ओके, इस पे मैंने आपको ऑलरेडी पहले सेशन दिया हुआ है कि इंडिया यूएस कॉपरेशन स्पेशली इन डिफेंस. ठीक है, तो उसमें अभी हम दोबारा नहीं जाएंगे, थोड़े दिन पहले ही किया था हमने. नेक्स्ट इज सेंटर ने तीन एआई रिसर्च हब सेटअप किए. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मैंने मेंस में कवर किया हुआ है. हेल्थ केयर, इसमें मैंने कवर किया आपको एआई फॉर इन हेल्थ सेक्टर. एंड थर्ड वन इज एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज. ठीक है, तो ये तीन चीजों को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप की कर चुके हैं. एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने डिस्कस किया था जो सेटअप करना चाहिए इंडिया को, वो था गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, और गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि हम करेंगे. ठीक है, तो वो भी थोड़े दिन में आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा. यूएई टू रिव्यू इंडिया कंसर्न ओवर सिल्वर इंपोर्ट. सर, थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे डायमंड इंडस्ट्री लॉस में जा रही है. उसे मैंने आपके साथ बात की थी कि जब इनके साथ सीपा साइन हुआ था यूएई के बाद के साथ, ठीक है, तो उसके बाद काफी सारा जो रूल्स ऑफ ओरिजिन हम लोग कहते हैं जिसको, बंद दूसरी कंट्री में रहिए बट यूएई में लेकर आते हैं और यहां से फिर इस सीपा रिजीम का बेनिफिट करके इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं. सो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन एक इशू है यहाँ पर. इंडियन साइड हैज रेज द इशू रिलेटेड टू रिसेंट सर्ज इन इंपोर्ट्स ऑफ सिल्वर प्रोडक्ट्स, प्लेटिनम अलॉय एंड ड्राई डेट्स, एंड अर्ज यूएई टू वेरीफाई कंप्लायंस विद द रूल ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स. ठीक है, आप वही चीज भेजिए जो यूएई में ही बनी है, उसका ओरिजिन यूएई में ही हुआ हो. बाहर से कोई कंट्री अपना सामान लेके आ रही है और फिर यूएई से एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया में, तो उसमें इंडिया का लॉस हो रहा है. ओके, एंड एंश्योर दी रूल्स आर नॉट सरकमवेंटेड. यूएई इज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चाइना एंड यूरोप विद $83 बिलियन बायलेटरल ट्रेड. इंडियाज गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएई स्काई रॉकेटेड बाई 210%. ओके, तो यस, ये जो सीपा था इसका मिस यूज हो रहा है यहाँ पे, वरना इतना राइस नहीं होता है. एट इज 50 किल्ड इन इसराइली स्ट्राइक इन गाजा, तो वो तो चला आ रहा है काफी टाइम से. यूएस फिलिपिन लॉन्च वॉर गेम्स आफ्टर चाइना ताइवान मिलिट्री ड्रिल्स. कल के न्यूज में देखा था हमने, ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल्स किए चाइना ने, और मैं आपको कह भी रहा हूं बार बार कि अगर अगली कोई वॉर स्टार्ट हो सकती है कहीं, तो वो सिर्फ पीओके के लिए होगी, इंडिया पाकिस्तान या फिर ताइवान चाइना में होगी. ओके, और अगर ये दो होती हैं तो समझिए आप वर्ल्ड वॉर थ्री को वेलकम करने के लिए तैयार हैं. ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है. एंड साइंस का ये जो है इसमें कुछ ज्यादा नहीं है कि कोस्टल फ्लडिंग हार्म्स, इसको लेकर मैंने आपके साथ आज अपनी रिवीजन सीरीज से मैंग्रोव्स पे डिटेल लेक्चर किया हुआ है. ठीक है, वो देख लेना आप. प्रिलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी एनवायरनमेंट की. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.